गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा भी एक है, उसका ज्ञान भी एक है, ज्ञान की साधना भी एक है, फिर भी ज्ञानियों के व्यवहार में भिन्नता क्यों आती है? ये प्रश्न पूछा गया था परशुराम जी के द्वारा दत्तात्रेय भगवान को। उसके उत्तर में उन्होंने बताया कि ज्ञान की परिपक्वता की जो न्यूनाधिकता है, कितना ज्ञान परिपक्व हुआ या नहीं हुआ, उसके अनुसार व्यवहार में भेद आता है। और ये बुद्धि के जो भेद है, इसके कारण यदि व्यवहार में भेद आता है तो उसका कारण क्या है? तो बताया कि तीन प्रकार की वासनाएं हैं। एक तो है अपराध वासना, दूसरी है कर्म वासना, और तीसरी है काम वासना। अपराध वासना ये है कि ईश्वर पर, शास्त्रों पर, साधु संतों के वचनों पर हमारा विश्वास न रहना, अपने स्वरूप को सच्चिदानंद परब्रह्म रूप स्वीकारने से इनकार कर देना, असंभावना होना, ये है अपराध वासना। कर्म वासना वो है कि जब बैठे, जब कुछ करना है या नहीं करना है, दिमाग में हमेशा ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये चक्कर चलते रहते। इसके कारण भी सत्संग में जावे तो भी बात समझ में नहीं आती। तो कर्म वासना के कारण सत्संग में जाने के बाद भी बात समझ में नहीं आती, और इसीलिए सत्संग के लिए सुबह का समय रखते हैं। यदि समझो 11 बजे से 12 बजे तक समय रखे या 10 से 11:30 तक रखे तो दिमाग में यही चलता रहेगा, मुझे वो जाकर के लोकल पकड़नी है और वहां जाकर के वहां करना है, ये करना है, तो कभी भी मन नहीं लगेगा तत्व के चिंतन में। और तीसरी है काम वासना। काम वासना क्या है? अपने कर्तृत्वाभिमान के इतने गुलाम हो जाना कि मेरा ये कर्तव्य, मेरा वो कर्तव्य है। हम सबके कर्तव्य की तो बात करते हैं, लेकिन हमारा अपने प्रति भी कोई कर्तव्य है ये भूल जाते हैं। हमारा अपने प्रति कर्तव्य है अपने स्वरूप को पहचानना, ये बहुत आवश्यक बात है। तो यह जो आखिरी जो काम वासना है, इसको कहते हैं कि यह काम वासना कहती है, कैसी है? आशा पिशाची प्रोक्तेयम रामया काम वासना, इसी को कहते हैं आशा पिशाची। आशा उसका नाम है, पिशाची उसका सरनेम है, अड़ना। तो अनयैव हि सर्वोयम् लोक उन्मत्तवस्थितः येन दन्दह्यमानोयम् लोक आक्रन्दते तदा। अनया एव, इस काम वासना के द्वारा सभी के सभी लोग पागल जैसे हो गए हैं, उन्मत्त जैसे हो गए हैं, और इसके द्वारा दुखी होकर के हमेशा रोते रहते हैं। यहां तक हमने कल देखा था, अब इसके आगे विचार प्रारंभ होता है कि केपि लोके धन्यतमा महामंत्र समाश्रया विनिर्मुक्तास्तया भांति नरा सर्वांग शीतलाहा एताभिस्त्रीसृभि राम वासनाभिर्यतो मनहा समाक्रांतमतो नूनम तत्व तत्तत्वम नाभासते। हे राम, हे परशुराम जी महाराज, एकाद कोई ऐसा भाग्यशाली पुरुष होता है इस जगत में कि जिसने अपने जीवन में महामंत्र का आश्रय लिया है। महामंत्र किसको कहते हैं? एक तो महामंत्र कहते हैं हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कली संतरणोपनिषद नाम का उपनिषद है, उसमें इस मंत्र का विचार आता है और कहते इसको महामंत्र।
लेकिन इस संदर्भ में जो महामंत्र की बात आगे जाके बताएंगे उससे पता चलता है महामंत्र है वैराग्य का हृदय में उदय होना, ये सबसे बड़ा महामंत्र है। तो एकाध व्यक्ति ऐसा कोई दुर्लभ होता है भाग्यशाली कि जिसके हृदय में परम वैराग्य रूप महामंत्र का उदय हो जाता है और इससे लेकर के वह मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है और मुक्त हो जाता है। और जैसे कोई व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो, अच्छे खासे नहा धोकर के एसी में बैठ के आया हो तो कितना फ्रेश लगता है, उसी प्रकार से जिसके हृदय में यह वैराग्य जागृत हो गया है वो हमेशा प्रसन्न चित्त और आनंद में रहेगा। और इन्हीं तीन वासनाओं से लेकर के हमारा जो स्वरूप है वो ढक जाता है। तो जब तक के इन तीन वासनाओं का प्रभाव हमारे जीवन में रहेगा हमारा स्वरूप हम नहीं पहचान पाएंगे। तो क्या करें, फिर कहते हैं कि अतः सर्वसाधनस्य वासना नाशनम फलम तत्राद्या यपराधत्व निश्चयाद विनिवर्तते। तो जितनी भी साधनाएं हमारी, साधना परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं होती, परमात्मा तो प्राप्त है ही, उसको कहां से प्राप्ति दौड़ना है, कुछ जरूरत नहीं। साधना होती है अपने ये तीन प्रकार के वासनाओं का नाश करने के लिए। तो पहली जो वासना है अपराध वासना, उस अपराध वासना का नाश कैसा होगा, तो कहते तत्र आद्या जो पहली अपराध वासना है अपराधत्व निश्चयात विनिवर्तते। अपराधत्व निश्चयात माने जब हमारा शास्त्रों पर, साधु संतों पर, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है, इससे बढ़कर के और कोई बड़ा अपराध नहीं है, ये जब बात समझ में आ जाती है ना, तो अपने आप हमारा शास्त्रों पर, साधु संतों पर विश्वास होने लग जाता है। देखो यदि जैसे हमने कल शाम को बताया था कि सबसे बड़ा पाप क्या है इस दुनिया में, सबसे बड़ा पाप हम लोगों को छोटे मोटे पाप मालूम है, किसको गाली दी, किसकी बुराई करी, ये तो कुछ नहीं, ये बच्चे के पाप है। असली पाप आपको चाहिए, जैसे असली घी होता है ना, तो असली पाप यदि कोई है तो दुखी होना, उससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। जितना आदमी ज्यादा दुखी होता है उतना महापापी, जितना कम दुखी होगा उतना कम पापी। परमात्मा दुखी है ही नहीं, कारण क्या, परमात्मा पापी है ही नहीं। यदि ये बात हृदय में उतर आई कि दुखी होना पापी का लक्षण है, तो उसके बाद हम दुखी होने का प्रयत्न करेंगे नहीं। जहां दुख भी हो रहा है, देखो अपने को दुखी बनाने क्यों, पब्लिक को दिखाने के लिए तो पुण्यवान है। धीरे 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 इसको अपराध के रूप में स्वीकार कर ले तो अपने आप यह अपराध धीरे निवर्तन हो जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा, जो दूसरा अपराध है कर्म वासना का, कर्म वासना का अपराध द्वितीया जन्मे नैकेन निवर्तेतापि जन्म भी ऐश्वरेण प्रसादेन नान्यथा कोटि युक्ति भी। जो दूसरा अपराध है कर्म अपराध, कर्म अपराध के कारण हम सत्संग में जाने के बाद भी बातें समझ में नहीं आती। देखो एक तो है सत्संग में जाना, दूसरी बात सत्संग में जाकर के जो हमको बताया जा रहा है वो समझ में आना। वो जब समझ में नहीं आता तो उसका कारण ये है कि हमारी कर्म वासना हमको गुलाम बना के रखी है। और ये कर्म वासना क्या है, ये अपने मन में हमेशा विक्षेप चलते रहे हैं, कोई चीज एकदम याद आ जाती है और उसी को याद आकर के आदमी भटकते रहता है। एक लड़का था, उसके दिमाग में ये रोग घुसा हुआ था। अभी भी मुझे दो चार दिन पहले एक व्यक्ति का ईमेल आया, उसने यही लिखा कि अपने जीवन में आपने जो कहा है
कि भूत को लेकर के वर्तमान को नष्ट नहीं करना चाहिए। आपने तो कह दिया हमारे सामने समस्या ये है, इस भूत का प्रभाव वर्तमान पर कैसे रोके, वो आता ही है, और उसी भूत का प्रभाव हमारे भविष्य पर कैसे रोके वो भी आता है। तो आप जो कहते तो बड़े आसानी से अपने भूतकाल का त्याग कर दो, नहीं होता ना, करे क्या। जैसे होता है एक फल होता है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, उसको भोकर कहते हैं, भोकर मालूम है आपको, भोकर, उसको खाओ, उसका जो बाहर का जो गरी है उसको खा जाओ, उसके बाद उसका बीज थूकने का प्रयत्न करो, वो चिपका रहता है, निकलता नहीं मुंह से, और बच्चों को और फेंको, उसको फेंको, मैं फेंक रहा हूं मम्मी, वो निकलता नहीं। उसी प्रकार से हमको कहना तो बड़ा आसान है, अपने भूतकाल का त्याग कर दो, लेकिन होता नहीं, करे क्या। तो उसको हमने कल उत्तर लिखा था, उसके तीन अल्टरनेटिव हो सकते हैं। एक, उसको भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? भूलने से भूल जाओ, याद करके भूल जाओ। दूसरा, कोई उसके ऊपर उपाय नहीं है। दूसरी बात यह है, उसके बारे में 25 लोगों को बताना मत। जितनी हम अपने जीवन की कोई भी भूतकाल की घटना लोगों को बताते हैं, उतनी वो घटना ताजी हो जाती है। समझो आपने कोई एक घटना 25 साल पहले हुई थी, उतने सालों का उसके ऊपर में कचरा पड़ा हुआ है, और आपने किसी को बताई वो घटना, माने क्या किया, वो कचरा जो पड़ा हुआ था हटा दिया और उसको फिर फ्रेश बना दिया, और फिर वो ताजी हो गई। जहां ताजी हो गई तो फिर उसके अंकुर फूटने लगेंगे। इसीलिए यह जो कर्म वासना है, इसको समाप्त करने के लिए हमको यहां बताते हैं कि ये तो अनेक जन्म के द्वारा भी समाप्त नहीं होगी। फिर क्या करें, ऐश्वर्येण प्रसादेन, जब भगवान की कृपा होती है ना, तब सत्संग में आदमी जाता है। जब भगवान की कृपा होती है तब सत्संग में जाकर के सोता नहीं, जब सत्संग भगवान की कृपा होती है सत्संग में जाता है, सोता भी नहीं, और उसको समझ में भी आता है। चौथी बात, जब भगवान की कृपा होती है तो सत्संग में जाता है, सोता नहीं, समझ में भी आता है, और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी प्रारंभ हो जाता है। देखो, ऐश्वर्येण प्रसादेन नान्यथा कोटि युक्ति भी, कितनी भी आप युक्तियां लगाओ, उसके द्वारा यह कर्म वासना नष्ट नहीं होगी। इसीलिए भैया, कल हमने आपको बताया था, इस कर्म वासना को नष्ट करने का एक ही उपाय है, सत्संग में जाया करो, जहां समय मिले पहुंचो पहुंचो, इससे बढ़कर के और कोई भी महत्व की साधना नहीं है। बाकी सब रुक सकता है। समझो आपने पूजा एकाध दिन एक घंटा लेट करी, जैसे समझो आप लोग यहां आते हैं और ये आपका पूजा का समय है, तो पहले उठ के करो, नहीं तो यहां से जाने के बाद करो। नहीं, लेकिन मेरा यही पूजा का समय है तो मैं कैसे करूं, तो इतने सालों की जो पूजा करी है उसके फलस्वरूप, उसके पुण्य के कारण हमको ये सत्संग का लाभ मिल रहा है, और वही हमको समझ में नहीं आता, इसको कहते हैं कर्म वासना। तो यह कर्म वासना युक्तियों से नहीं हटती, भगवान की कृपा से हटती है। और जो तीसरी है काम वासना, तृतीया विनिवर्तेत वैराग्यादि सुसाधने ही दोष दृष्टि व वैराग्यम भवन नैवान्यथा क्वचित। तो तृतीय जो वासना है काम वासना, वो निकल जाती है वैराग्य आदि सुसाधने ही। अपने जीवन में वैराग्य का सबसे बड़ा महात्म्य है। देखो, वैराग्य किसको कहते हैं, जहां हम वैराग्य की बात सुनते हैं तो हमारे सामने एक चित्र आता है, फटे कपड़े पहने हैं और उसके बाद बिल्कुल दीन लीन होकर के, क्या हो गया पता नहीं, वैराग्य हो गया तब से ऐसे ही होता है। ये वैराग्य नहीं, ये बेवकूफी है। वैराग्य का तात्पर्य है किसी भी वस्तु व्यक्ति पर अवलंबित नहीं होना। जब हम अपने इस स्वातंत्र को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं,
कि हमारे अस्तित्व के लिए जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। इस पहचान को कहते हैं वैराग्य। जहां हमको ये वैराग्य हो गया तो वैराग्य का दूसरा लक्षण है व्यक्ति कभी भी अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं करता। जिनको हमेशा पब्लिक में रहने की आदत होती है ना, जैसे बाबा जी लोग हमेशा लेक्चर देने की आदत, और एक हाथ बार कहीं का यज्ञ कैंसिल हो गया, लेक्चर्स कैंसिल हो गए, तो अच्छा जाकर के शांत रहो, लो पब्लिक को सुखी रहने दो, प्रवचन करके करके क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन हम बैठेंगे थोड़ी चुप, फिर दूसरे को कहे अरे भाई मेरा लेक्चर ऑर्गेनाइज करो, क्यों कि मुझे बोलना है, भाई हमको नहीं सुनना, अरे सुनो तो सही। देखो ये इसका कारण मालूम है क्या है, कारण ये है कि व्यक्ति अकेला रहने से डरता है। जिसके हृदय में वैराग्य जागृत हो गया वो अकेले में कभी डरता नहीं, उसको अकेलापन महसूस नहीं होता। जितना ज्यादा अकेलापन महसूस होता है उतनी जगत में आसक्ति है, और आसक्ति का मतलब मालूम है क्या है, वो जा भी सकती है, टिकती नहीं। इसीलिए टिकने वाली यदि कोई वस्तु है तो केवल प्रभु है, परमात्मा है। तो यह जो तृतीय वासना है वैराग्य आदि सुसाधन ही, वैराग्य जैसे सर्वश्रेष्ठ साधन के द्वारा ही हमारी काम वासना निकल जाती है। काम वासना माने क्या, हम आपको इसी ग्रंथ के संदर्भ में बता रहे, शब्दों को मिक्स मत करना। काम वासना का तात्पर्य है अपने जीवन में और कर्तव्य शेष है इस भ्रांति से जीना, उसको कहते हैं काम वासना। कि जैसे अभी तो जवान है, अभी से क्या सत्संग करना है, बड़े होकर के करेंगे, बड़े हो गए भगवान की दया से, उसके बाद अभी तो बच्चों की शादी करनी है, उसके बाद सत्संग करेंगे, बच्चों की शादी हो गई, उसके बाद अब बच्चे होंगे तब सत्संग करेंगे, उनके बच्चे हो गए। इसका कोई अंत है क्या, कहीं ना कहीं तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी ना। जब तक कि हम स्वयं लाइन नहीं खींचेंगे ये दुनिया से नहीं हट सकते। इसीलिए यह जो काम वासना है इसको फिर हम बड़ा ग्लोरीफाई करते, कैसा, आई एम ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैंने सब कुछ अपने हाथ में रखा है, क्योंकि बच्चों को कुछ आता ही नहीं, मेरे बच्चे हैं ना, क्या आएगा उनको। देखो भैया, इस जगत से अपने आप को हटा लो, बहुत हो गया कर्तव्य कर्म कर्तव्य कर्म, कुछ कर्तव्य कर्म करो कुछ नहीं होता। हम अपने अहंकार की पूजा करने के लिए, ये कर्तव्य कर्म की भाषा मालूम है कैसी है, जैसे अपने राजनीतिज्ञ कहते हैं अपने देश के लिए मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, सिर्फ वहां ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो जैसे अपने राजनीतिज्ञ जाते हैं जेल में देश के लिए, लेकिन किसको धोखा दे रहे हो, उसी प्रकार से हम जो कहते हैं हमारे कर्तव्य कर्म कर्तव्य कर्म, हम भैया अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। अपने ही अहंकार की पूजा करने का एक जो नाटक है उसको कहते हैं हम अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करेंगे। तो यह जो तीसरी वासना है वैराग्यादि सुसाधन ही विनिवर्तते, और दोष दृष्टि व वैराग्यम भवे नैवान्यथा क्वचित। और वैराग्य कब जागृत होगा, दोष दृष्ट्या, जब हमारी कर्म में दोष दृष्टि जागृत हो जाएगी। कर्म में कौन सी दोष दृष्टि है, जैसे हम जब कहते हैं हमारा कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म माने क्या, जब तक हम अपने आप को कर्तृत्वाभिमानी स्वीकार करते हैं तब जाकर के कर्म के साथ संबंध होता है। सुषुप्ति अवस्था में जब कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता तो उस समय हमको कर्म का बंधन नहीं होता। तो कर्म के बंधन के पीछे एक ही भावना है कि मैं कर्तृत्वाभिमानी हूं। तो जितना ये कर्तृत्वाभिमान बना रहेगा कर्म के द्वारा तो हम उससे छूट ही नहीं सकते। कर्तृत्वाभिमान से प्रेरित होकर के कर्म करेंगे, कर्म करके कर्तृत्वाभिमान को बढ़ाएंगे,
बढ़े हुए कर्तृत्वाभिमान से फिर कर्म करेंगे, उसके बाद फिर कर्तृत्वाभिमान बढ़ जाएगा। ऐसा करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति को ऐसे लगने लग जाता है कि मेरे ही कारण ये दुनिया चल रही है। देखो वो जो कहानी आती है ना कि कोई एक कुत्ता एक बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था और बैलगाड़ी चल रही है और उसके नीचे कुत्ता चल रहा है और फिर 10 20 25 किलोमीटर जाने के बाद बैलगाड़ी रुक जाती है और कुत्ता कहता बहुत थक गया हूं क्योंकि इतने दूर से बैलगाड़ी को लेके आया हूं। उसी प्रकार से अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हमको लगता है हमारे कहने से बच्चे बड़े हुए, हमारे कहने से यदि बच्चों को बड़ा होता होता ना हम आपको बताते हमारे सभी के सभी बच्चे छोटे रहते क्योंकि भूल ही गई मैं। इसीलिए यह कर्तृत्वाभिमान का जो राक्षस है उसका त्याग कर दो बाबा। तो दोष दृष्टैव वैराग्यम भवेन्नान्यथा क्वचित् प्रोक्तानां वासनानां वै स्वल्पानल्प विभेदतः तस्यश्चाल्प अनल्प भावापेक्षा भवति भार्गव। तो जैसी जैसी हमारी वासनाएं होगी तीव्र तो हमको तीव्र वैराग्य की जरूरत है। हमको वासनाएं ये काम वासनाएं इत्यादि यदि मंद होगी तो मंद वैराग्य की जरूरत है। तो जैसी वासनाएं होगी उसके अनुसार हमारी साधना होगी। यदि हमारी वासनाएं बहुत है और हम साधना तीव्र नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो तत्राद्यम सर्वमूलम स्याद मुमुक्षुत्वम न चेतरेर मुमुक्षामंतरायत्तु श्रवणम मननादिकम न मुख्य फल संयुक्तम केवलम शिल्पवत भवेद न शिल्प ज्ञान मात्रेण प्राप्यते परमं पदम। और ये जो तीन वासनाएं हैं अपराध वासना कर्म वासना और काम वासना ये फलोन्मुख तब होती है कि जब मूल कारण इन तीनों का निकालने का है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व माने मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा माने मैं बंधन में हूं इसको पहले पहचानना। आप देखो बंधन का सबसे बढ़िया स्वरूप मालूम है क्या है? बंधन का सबसे बढ़िया स्वरूप यह है कि हम बंधन में है यही बात समझ में नहीं आती। जब ये बात समझ भी नहीं आई कि हम बंधन में है तो उससे निकलने का प्रयत्न कब होगा? जैसे उदाहरण के लिए एक लड़का शुरू कर देता है सिगरेट पीना क्योंकि जब कॉलेज में गया पहली बार तो बाकी के बच्चों ने उसके मजाक करना शुरू कर दी तो उसको लगता कि ये समझती क्या है, मैं इसको बताऊंगा सिगरेट पी करके। उसके बाद उसकी साधना शुरू हो जाती है। जब भी बाथरूम में गया तो सिगरेट की डिब्बी और माचिस लेकर के वहां एकदम साधना शुरू हो जाती है। तो पहले आंख से नाक से मुख से कान से धुआं निकलने लग जाता है, बड़ी तकलीफ होती है लेकिन प्रयत्न से सब कुछ साध्य होता है। केल्याने होत आहे रे आदि पिलेच पाहिजे और फिर वो शुरू कर देता है और धीरे 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 सिगरेट पीने में वो माहिर हो जाता है। उसके बाद उसको ये बात समझ में नहीं आती कि इसी सिगरेट के कारण मैं अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा हूं। तभी तो केवल वही जवानी का जोश रहता है कि हाथ में सिगरेट हो और देखो सक्सेसफुल मैन का साइन क्या है, हाथ में सिगरेट, हद हो गई शराबत की। लेकिन उसी को देख करके हमको लगता है कि देखो आई थिंक आई ऑल्सो लुक लाइक द सेम कार्टून ओवर देयर। और जब ये बात समझ में आती है तब जाकर के हम उसका त्याग करते हैं। तो बंधन का स्वरूप यही है कि हम बंधन में हैं यही बात समझ में नहीं आती। तो तत्र आद्य सर्वमूलम स्यान् मुमुक्षुत्वम् न चेतरेत् मुमुक्षामंतरायत्तु श्रवणम् मननादिकम् न मुख्य फल संयुक्तम् केवलम् शिल्पवत् भवेत्। यदि बिना मुमुक्षा के श्रवण मनन करो
तो उसका कोई भी फल नहीं मिलता। माने कैसा, जैसे हम लोग जाते हैं सोमवार के दिन गए लायंस क्लब में, मंगलवार के दिन गए ईव्स क्लब में, बुधवार के दिन गए काउज क्लब में, गुरुवार के दिन गए बफेलो क्लब में, और फिर भी एक दिन बचा ही रहता है हफ्ते का, तो फिर जाते हैं सत्संग क्लब में टाइम पास करने के लिए। हृदय में मुमुक्षा है ही नहीं। जिसके हृदय में मुमुक्षुत्व जागृत नहीं हुआ, उसके लिए यह जो सत्संग श्रवण मनन, इसका तात्पर्य मालूम क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है लोगों पर रोग जमाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं होता। जैसे आपको बताए, एक बार हमारे गीता ज्ञान यज्ञ का उद्घाटन एक बड़े महात्मा ने किया, अपने बंबई की बात है, प्रेसिडेंट वगैरह हैं एक बड़े आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन के, और प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? जिनके पास पैसा होता है वो प्रेसिडेंट होते हैं, सीधी सीधी बात है, बाकी कोई इसमें तथ्य की बात नहीं। उनको प्रेसिडेंट बना दिया कि ये अब ये प्रेसिडेंट हो गए, क्योंकि उनके पास लक्ष्मी की कृपा है। अच्छा, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, ऐसा एक सुभाषित है, जिसके पास पैसे होता है उसमें सब सद्गुण आ जाते हैं। तो उन्होंने उद्घाटन में बता दिया, मनैव मनुष्यानाम कारणं बंध मोक्षयो हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया भगवद गीता में। अब मैं वहां बैठ करके सुन रहा हूं और मेरे पेट में गड़बड़ी हो रही है, और सब कुछ लेचरिचर होने के बाद जब हम बाहर जा रहे थे तो हमने कहा कि भगवान के लिए भगवद गीता पर ऐसे अत्याचार मत करिए। मैं क्या हो गया? मैं अच्छा बोला था ना? हमने आप बहुत ज्यादा अच्छे बोले। क्यों? कि ये जो श्लोक आपने कहा ये भगवद गीता में नहीं है। मुझे लगा भगवद गीता में होगा, क्योंकि अच्छा श्लोक लगा मुझे। अब लो तो ये जो हम श्लोक बीच में मारते नहीं थे, शेर मारते, बोलते बोलते लोगों को शेर मारने की आदत होती है, उसी प्रकार से श्लोक बीच में मारना शुरू कर देते हैं, उसके लिए ये श्रवण मनन हो जाता है। अच्छा, आपको भगवद गीता भी आती है? हाँ, हम जाते हैं सत्संग में, पढ़ते हैं भगवद गीता उपनिषद के भी। अच्छा, उपनिषद भी आपको आता है? हाँ जी। फिर उपनिषद नहीं पढ़े तो फिर लाइफ में रखा क्या है? ब्रह्मसूत्र में भी यही बात लिखी है। अच्छा, आप ब्रह्मसूत्र भी जानते हैं? हाँ, बस पढ़ लेते थोड़ा बहुत, क्योंकि भागवत में भी उसका बड़ा भागवत भी आप उसको श्रवण मनन बिना मुमुक्षा के उसका कोई अर्थ नहीं। यहां देखो क्या शब्द का प्रयोग किया है, कहते शिल्पवत भवेत न शिल्प ज्ञान मात्रे न प्राप्यते परमं पदम। यदि किसी को भौतिक ज्ञान बहुत हो, शिल्प ज्ञान माने भौतिक ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार से केवल यह जो श्रवण मनन है शास्त्रों का, बिना मुमुक्षुत्व के यदि हम उसको करें तो वो कैसा है? उदाहरण लेते हैं, मुमुक्षामंतराम यैस्तु श्रुतम सम्यक विचारितम श्वालंकारवत सर्वाम तेषाम सर्वम भवेत खलु। जिस प्रकार से मुर्दे को सजाया जाए, मुर्दे को बड़े बड़े अलंकारों से सजाया जाए, तो क्या मुर्दा अलंकारों से सुंदर लगता है क्या? नहीं। उसी प्रकार से मुमुक्षत्व के रहित श्रवण मनन यह मुर्दे के अलंकार के जैसे है, उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए अपने हृदय में इस मुमुक्षत्व को जागृत करना है। मुमुक्षुत्व को जागृत करना है माने इसकी तीव्रता हृदय में आ जाए। अब ये जगत में कब तक हम ईंट पत्थरों के बीच में रहेंगे? हम आपको बात बताएं, अभी कहीं हम थे तो हमको किसी ने कहा कि स्वामी जी हम आपके पास आकर के रहना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल मत आना मेरे पास रहने के लिए। क्यों? मेरे पास जगह बिल्कुल नहीं है। क्यों? आपका कुछ आश्रम नहीं है?
हमने कहा नहीं, हमारा कुछ आश्रम नहीं है। बोले फिर हम आपको जमीन देते हैं, आप आश्रम बनाओ। हमने कहा हम आश्रम बनाएंगे, चौकीदारी करेंगे, आप वहां आकर के रहो। देखो इस जगत में तीन चीजें ऐसी है कि जो कभी मकान नहीं बनाते और कभी भीड़ भाड़ में मंडली के साथ नहीं चलते। एक तो होता है साधु, दूसरा होता है सांप। सांपों की कभी आपने मंडली देखी है क्या? जैसे बकरियां भेड़े चलती है इकट्ठी, चलो सांप भी जा रहे हैं 25-40, कहां जा रहे हैं? नहीं, हम सत्संग के लिए जा रहे हैं। हां। और तीसरा होता है शेर। लायन क्लब की बात छोड़ करके कहीं भी लायंस इकट्ठे नहीं होते। 25-40 लायन इकट्ठे हो गए और वहां होकर के बात हो रही है, चलो हम देश का भला करने की बात करेंगे। देखो यह जो शेर, सांप और साधु, ये हमेशा अकेले रहते हैं और कहीं भी मकान नहीं बनाते। ऑलरेडी उपलब्ध जो मकान है वहां रहेंगे और रह के निकल जाएंगे, टिकेंगे नहीं कहीं। तब जाकर के हमारे हृदय में यह मुमुक्षुत्व जागृत हो रहा है। जहां अपने मन में एक भी संकल्प आया कि मुझे ये करना है वो करना है, समझ लेना हमने इस जगत को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। मुझे ये बताओ, आपको समझो सपने में $1 करोड़ मिल गए और आप उठने के बाद इसके ऊपर विचार करेंगे क्या? अब इसको किसमें इन्वेस्ट करें? कभी विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सत्यता को हमने 100% डिस्काउंट दिया है। उसी प्रकार से जब तक के जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के मन में संकल्प आते हैं, तब तक हमारा अंतःकरण अभी पवित्र नहीं हुआ। इस जगत को हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है, काहे का मुमुक्षुत्व आएगा? देखो हमको याद आती है जब हमारे स्वामी जी का देह आया था अमेरिका से, तो उस समय हम दिल्ली में थे, तो एयरपोर्ट से उनके देह का जो बक्सा था, बक्से में बांध के उसको लाए थे, तो हम ही गए उनको छुड़ा करके कस्टम से, पासपोर्ट पुसपोर्ट लेकर के वापस आए। और फिर दिल्ली में उनके देह को रखना था, तो बस बक्सा खोला और खोलने के बाद थैले में जैसा रखा हुआ था निकाल करके रख दिया, इधर से सपोर्ट उधर से सपोर्ट, क्योंकि उसमें चैतन्य तो था ही नहीं, और ऐसे बैठे हुए। उस समय हमारे हृदय में कौन सा विचार आया? कितनी बार स्वामी जी ने बताया कि जब तक यह चैतन्य यहां है तभी तक ये बोलता है, जहां वो चला जाएगा यहां से उसको पूछो 2+2 कितना, ये भी नहीं आएगा। वही अपनी असलियत है, लेकिन उसको छोड़ करके सभी को हम पकड़ के बैठते हैं। इस जगत की एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको लेकर के हम अपने मन को अशांत करें, और मन जितना शांत होगा, शांत मन को ही चैतन्य कहते हैं, अशांत चैतन्य को मन कहते हैं। इसीलिए अपने हृदय में किसी भी प्रकार के संकल्प किसी भी वस्तु व्यक्ति के द्वारे या बारे में उठने नहीं चाहिए। ये जब होगा तब जाकर के धीरे धीरे मुमुक्षुत्व जागृत होगा। तो शवालंकारवत सर्वम तेषां व्यर्थम भवेत खलु, व्यर्थासापि भवेन मंदा मुमुक्षा राम सर्वथा, यथा फलश्रुतेरिच्छा सामान्यान फलावहा। और यह जो मुमुक्षुत्व जो है वह भी मंद हो जाता है। कैसा? एक तो पहले मुमुक्षुत्व का न होना, समझो हमको मुमुक्षा हो भी गई तो भी वो मंद रहती है। जैसे किसी का नाम होता है ना मंदा, मंदा माने डलविटेड, पता नहीं ये नाम कैसा रखता है माता है, रखती जरूर है मंदा। दूसरी बात आशा, आकांक्षा,
एक गुजराती हमको मिलने आए थे, उनका छोटा सा बच्चा था, तो हमने गुजरातियों में नाम बड़े विचित्र होते हैं, वो नॉर्मल नाम नहीं रखते। तो उसने कहा बेटा स्वामी जी को नमस्कार करो, बने इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है संचित। तो हमने कहा प्रारब्ध कब आने वाला है, आगामी कब आएगा? अरे संचित कोई नाम है, कर्म है, वो तो रख दिया नाम नारायण। तो ये तो हो गई मुमुक्षा। यदि वो मंद हो तो मंद मुमुक्षा के द्वारा हमारी साधना तीव्र नहीं होती। साधना तीव्र कैसी होती है? मुमुक्षा किसको कहते हैं? एक बार एक लड़की अपने मायके गई और अपने मां के साथ रो रही थी। मम्मी बताओ ना, ये हमेशा मुझे धाक देते हैं कि तुम ऐसी करोगी तो मैं संन्यास लेके चला जाऊंगा और फिर मैं गुपचुप बैठ के, ये संन्यास लेके चले न जाए और फिर मैं क्या करूं, इस प्रकार से मैं अपनी चुप बैठ लेती हूं। अब मैं तंग आ गई, रोज का रोज वही धाक दे रहे। तो पिताजी सुन रहे थे, पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, जो कहते हैं ना संन्यास लूंगे या संन्यास, वो लेते कभी नहीं, वो कहते ही कहते हैं केवल। ऐसा जब कहा तो उन्होंने उसकी पत्नी मानेगी थोड़ी, पत्नी को तो कमेंट करना ही है पति पर। फिर कैसे जाते हैं संन्यास, कैसा लेते? बोले बताऊं, वो जा रहे थे नहाने के लिए तौलिया लपेट करके, वैसे ही घर से निकल गए, फिर वापस नहीं आए। जिनको मुमुक्षुत्व तीव्र होता है वो इस जगत का त्याग एक क्षण में कर सकते, नहीं तो हमारे लिए हर चीज में इतना मन बंधा हुआ है। तो यह जो मंद मुमुक्षा जो है ये कैसी है? फलश्रुते है इच्छा सामान्य न फलावहा। हमने केवल सुना है यदि भगवान का नाम लेंगे, दर्शन करेंगे तो मन प्रसन्न होगा, और भगवान का नाम लेते लेते दर्शन तो हुआ नहीं, फ्रस्ट्रेट जरूर हो गए, पता नहीं कब से ले रहे राम 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 राम, सभी तंग आ गए मेरा नाम लेने से। तो इसके द्वारा कोई भी हमको फल नहीं होता, क्योंकि फलश्रुत्य तरोद्भूता नेच्छा कर्म फलावहा। फलश्रुत्या कस्य नाम न स्यात् सा जीवधर्मिणः। फल की अपेक्षा या फल ऐसा ऐसा अमुक अमुक अच्छा फल मिलने वाला है ये सुनकर के किसके मन में इच्छा नहीं होगी? हर एक के मन में इच्छा होगी। केवल सुनने से कुछ नहीं होता, कहने का तात्पर्य क्या है? केवल हमने सुन लिया, श्रवण कर लिया कि हम सच्चिदानंद है, अपने मन से सभी के सभी ये अपराध वासना, कर्म वासना, काम वासना, इनका त्याग करने से मन प्रसन्न रहेगा, समझ में आ गया। फिर आप लोग करते क्यों नहीं? अरे बाबा, ये अपने लिए है, दूसरों को बताने के लिए नहीं है। कई बार ये बात आती है जब सत्संग सुनते हैं ना, तो सुनते समय हमारे मन में बात चलती है, देखो ये बात मेरे बहू को यदि बता दी जाए तो कितना अच्छा होगा। मान लीजिए ये बात हमको बता रहे हैं डायरेक्टली तो हम सुनने को तैयार नहीं, हम चाहते हैं बहू को बता दी जाए। देखो प्रत्येक सत्संग का जो विषय है उसको हमको अपने जीवन में लगाना है, दूसरों को नहीं बताना है। दूसरों बताने का धन, दूसरों को बताने का जो धंधा है वो प्रोफेशनल पर छोड़ दो, हर एक के बस की बात नहीं है। नहीं तो क्या हो जाता है, एक बार व्यक्ति को उपदेश करने का, लेक्चर देने का रोग लग गया ना, फिर वो व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता, उसके मुंह को प्लास्टर लगाना पड़ता है, अब चुप बहुत हो गया। इसीलिए यह हमको अच्छा फल मिलेगा तो केवल सुनने से कुछ नहीं होता। तस्मात आपाद रूपाया मुमुक्षा नवई फलम, इसको कहते स्मशान वैराग्य की प्राप्ति, आपात वैराग्य जिसको कहते हैं। कई बार लोग जाते हैं स्मशान में, जिंदा लोगों की बात कर रहा हूं मैं, वहां जब जाते हैं तो वहां देखते, देखो ये तो हमारे साथ ही थे, अभी सब ठीक ठाक है, पता नहीं इस जगत का कोई भरोसा नहीं, भगवान की यहां भी अंधेरा है, अब कैसा होगा क्या होगा। दो मिनट के लिए मन में वैराग्य आ गया और उसके बाद तंबाकू है क्या तुमच्याकडे? वो भी जा रहा जल रहा, ये उनको तंबाकू याद आ रही, का है का वैराग्य।
तो इस वैराग्य का कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से ये जो हमारी मंद मुमुक्षा है, मंद मुमुक्षा का तात्पर्य है कि हमारे हृदय में परमात्मा के प्राप्ति की अभी तीव्र इच्छा तत्परता नहीं है। इसीलिए तस्मात् आपात रूपाया मुमुक्षाया नवैफलम, यथा मुमुक्षा तीव्रा स्यात् तथा तस्या चिरम फलम। जितनी मुमुक्षा तीव्र होगी उतनी हमारी साधना फलोन्मुख होगी। और ये तीव्र मुमुक्षा का दूसरा नाम है मुमुक्षा या मुख्यतमा सा साधन गणेशु अलम प्रवृत्ति उत्पादये यद्वै सा ही तत्परता उच्चते। तो जितनी हमारी मुमुक्षा तीव्र होगी उतनी हमारी साधना में प्रवृत्ति होगी। साधना में प्रवृत्ति क्या है? साधना की प्रवृत्ति का पहला अर्थ है जीवन से आलस्य, प्रमाद और निद्रा, इन तीनों का हमेशा के लिए त्याग हो जाना। सबसे बड़ा हमारा शत्रु यदि कोई है तो ये आलस्य। आलस्य माने किसी भी चीज में रस ही नहीं। जरा सुबह उठ करके ध्यान करो, क्या भगवान तो सभी जगह के बिस्तर में नहीं है क्या? क्या जरूरत है कि बैठ के ध्यान लेना करना चाहिए? भगवान का नाम पड़े पड़े ले रहे, राम 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 हो तो रहा है, चाय भी ले आना जरा, राम 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 चल रहा। तो ऐसी जो हमारी प्रवृत्ति है इसके पीछे मूल कारण है कि आलस्य ठसा ठस भरा हुआ है। जिस व्यक्ति में आलस्य होता है उसमें तत्परता नहीं होती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयतेन्द्रिया तत्परः। तत्परता जब नहीं होगी तब तक के हम अपने साधना में प्रगति नहीं करेंगे। तो प्रवृत्ति उत्पादे वैसा ही तत्परता उच्चते। तत्परता किसको कहते हैं उसका आगे बताते। यथा सुदग्ध सर्वांगा न शीतान अन्यत अपेक्षते तथा यदा अभिमुक्ते अन्यत नापेक्षते ही सर्वथा। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को आग लग गई हो चारों तरफ से, या जैसे अपने आजकल के समय में चारों तरफ गर्मी गर्मी गर्मी, उस समय व्यक्ति को सबसे पहली किस चीज की याद आती है? ठंडक की। इसका उदाहरण भगवान रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी आता है। उनका जो शिष्य था नरेंद्र विवेकानंद जो बाद में बने, उन्होंने पूछा कि आप अपनी मां से हमेशा जाकर के बोलते हो, हम भी बोलते हैं लेकिन वो हमसे बोलती नहीं, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो, जिस प्रकार से तत्परता से प्रेम से मैं मां से बोलता हूं उसी तत्परता से प्रेम से तुम मां से नहीं बोलते और इसीलिए तुमको तुमसे मां बात नहीं करती। बोले नहीं नहीं, हमको तो तत्परता है, हम चाहते हैं कि मां हमसे बात करे लेकिन नहीं करती, क्या करे? बोले इसलिए कि तुम में तत्परता नहीं है। बोले हमको समझ में नहीं आ रहा। बोले बताएंगे बाद में। फिर वो नहाने के लिए गए गंगा जी में, दक्षिणेश्वर में। जब वहां गए तो उन्होंने बताया, बेटा इधर आना जाना, दोनों पानी में। उन्होंने उसका सर पानी के नीचे डुबो दिया और पकड़ के रखा पानी के नीचे। और जब देखा कि अब ये बहुत तड़प रहा है, उसके बाद उसके गर्दन को बाहर निकलने दिया। फिर उसको पूछा कि जब पानी के नीचे थे तब तुम्हारे मन में किस चीज की बहुत जबरदस्त प्यास थी? केवल हवा की, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उस समय हमको धर्म नहीं चाहिए, अधर्म नहीं चाहिए, पाप नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, सक्सेस नहीं चाहिए, फेल्यूर नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, देव नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं, केवल हवा हवा हवा। वो वैसी जब तत्परता, वैसी जब मुमुक्षा हमारे हृदय में जागृत हो जाती है तब जाकर के साधना में मन लगता है। हमारी साधना 5 स्टार साधना है, एसी हियर एसी देयर एसी एवरीवेयर। और फिर जाकर के हम अपनी साधना करेंगे और इसी के कारण हमारी साधना में कोई प्रगति नहीं होती। तो
प्रवृत्ति सा तत्परता उच्यते यथा सुदग्ध सर्वांगा न शीताद अन्यत अपेक्षते तथा यथा विमुक्ते अन्यत न अपेक्षते ही सर्वथा। जब तक के ये बंधन से हम छूट नहीं जाएंगे शांति नहीं मिलेगी, और ये बंधन ही ये है, ये यदि मालूम नहीं है तो कौन सा प्रयत्न हम करेंगे। जैसा एक बार हम कहीं जा रहे थे कार से, और जिस दिशा में जा रहे थे हमको लगा कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हमने उनको कहा कि देखो प्रभु मुझे लग रहा है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। नहीं नहीं स्वामी जी ठीक जा रहे हैं, हम हमेशा ड्राइव करते हैं। हमने कहा आप हमेशा ड्राइव करते हैं, मैंने बता दिया मेरे मन में जो आया कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अब उसको जब स्वीकार ही नहीं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। और फिर हम लोग 15-20 किलोमीटर चले गए, बोले स्वामी जी आप जो कह रहे मुझे ठीक ही लग रहा है, हमको भी लग रहा है क्योंकि गड़बड़ जरूरी है। तो फिर हम एक पेट्रोल पंप पर गए और वहां पूछा उसको कि भाई हमको ऐसे ऐसे जाना है तो रास्ता ठीक है क्या? बोले नहीं, यू हैव कम एग्जैक्टली द अपोजिट डायरेक्शन। और फिर जाकर के हमारा रास्ता होकर के फिर हम चले। माने जब तक हमने ये पहले स्वीकार नहीं किया कि हम गलत रास्ते से जा रहे हैं तो अपने आप को सुधारने का प्रयत्न नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जब तक के हमने अपने आप के बंधन को स्वीकार नहीं किया, उसके छोड़ने का तोड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे। और बंधन क्या है? बंधन यही है कि हमको मृत्यु का डर है, हमको कोई धोखा देगा इस अज्ञान का डर है, और हमको हमेशा सुख दुख का चक्कर पड़ा हुआ है। जब तक के ये चीजें बनी है तब तक के हम बंधन में है। तो सा मुमुक्षा भवे तीव्रा समर्था फल साधने एषा विमुक्ति ही अन्यत्र दोष दृष्टैव जायते। तो जब ये मुमुक्षुत्व बहुत तीव्र हो जाता है तो जितनी तीव्र मुमुक्षा होगी उतना ही हमारी साधना है वो फलोन्मुख होगी। बिना मुमुक्षा से कोई भी साधना हमको फल देने वाली नहीं होती। दोष दृष्टैव जायते, और ये कैसे बढ़ जाती है मुमुक्षा? परमात्मा को छोड़ करके जगत की सभी बातें बकवास है। ये जब दृढ़ हो जाता है निश्चय, तब जा करके मुमुक्षा तीव्र होती है। जब तक कि जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के महात्म्य बना हुआ है, तब तक के परमात्मा के प्रति हृदय में महात्म्य जागृत नहीं हुआ। एक बार हम कहीं थे, एक सज्जन ने हमको पूछा, अरे स्वामी जी आप उस महात्मा को जाके मिले? हमने कहा नहीं भैया मिले नहीं, हम गए थे दर्शन के चले आए। बोले आपको लगता नहीं कि इतने बड़े महात्मा है उनके साथ जाकर के रहे? हमने कहा देखो सवाल ये है, भगवान कृष्ण इतने बड़े थे, हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान कृष्ण के अवतार इतने बड़े थे, सो व्हाट, हम कैसे हैं ये महत्व की बात है। कब तक के इस हिसाब से चलेंगे? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, आगे व्हाट नेक्स्ट? हमको अपने को सुधारना है। साधु संत बड़े हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने में जो कालुष्य है उसको हटा करके अपने परमात्मा स्वरूप को हमको पहचानना है, यही जीवन का लक्ष्य है। तो हम साधु संतों के पास जाएंगे, उनके साथ 8 दिन रह करके अच्छा लगता है, तो क्या हुआ वहां गए, जैसे हिल स्टेशन में जाते हैं वैसे उनके स्टेशन महात्मा स्टेशन में गए और 8 दिन घूम के चले आ गए। उससे मिला क्या? कुछ नहीं, उनका टाइम बर्बाद हुआ, अपना टाइम पास हुआ। इसीलिए जगत में किसी भी वस्तु को छोड़ करके केवल परमात्मा ही चाहिए। यह दृष्टि तब जागृत होगी जब जगत के प्रति दोष दृष्टि होगी। जगत के प्रति दोष दृष्टि कैसी है? एक उदाहरण आपको देते, जिससे हमने प्रेम किया है वही हमारे दुख का कारण बनता है। एक सरल सरल हिसाब आप देखो, हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उन्हीं के कारण हम दुखी होते हैं।
हम अपने धन दौलत से प्रेम करते हैं, उसी के कारण हम दुखी होते हैं। हम अपने गांव से प्रेम करते हैं, उसी के कारण दुखी होते हैं। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, उसी के कारण दुखी होते हैं। तो जिसके परिच्छिन्नता के साथ अपने आप को जोड़ो तो दुख गारंटीड है। तो करे क्या, दो प्रकार के विकल्प हैं। या तो सबसे प्रेम करो। सबसे प्रेम करने से क्या होगा, समझो हमने 1000 लोगों से प्रेम किया, बहुत बढ़िया बात है, एक से नहीं 1000 से, उसमें से एक कट गया तो बाकी तो बचे हैं ना, तो हमको दुख नहीं होगा। इसीलिए अपने जीवन में यदि दुख का निवारण करना है, या तो सबको अपनाओ या सबका तिरस्कार कर दो। सबका तिरस्कार तब होगा कि जब ये जगत मिथ्या है, ये भावना दृढ़ हो जाएगी। और जब सबसे प्रेम तब होगा कि सभी का सभी जगत परमात्मा का ही स्वरूप है, तब सबके साथ प्रेम हो जाएगा। तो या तो जगत को मिथ्या कहकर के तिरस्कृत करो, या तो सभी जगत परमात्मा स्वरूप है ऐसा कहकर के उससे प्रेम करो। दोनों का तात्पर्य एक ही है, इसी को कहते हैं मुमुक्षुत्व। तो तीव्र वैराग्य मुख्यतः मुखतः क्रमेण तीव्रताम यान दोष दृष्ट्या ही वैराग्यम विषय प्रीति नाशनम। तो यह जो मुमुक्षुत्व है ये प्रारंभ हो जाता है तीव्र वैराग्य मुखतः, प्रारंभ हो जाता है तीव्र वैराग्य से। और वैराग्य में तीव्रता कैसी आती है, दोष दृष्ट्या वैराग्यम विषय प्रीति नाशनम। प्रत्येक विषय में क्या दोष है उसका दर्शन करना शुरू कर दे। देखो ये जो साधना है बड़ी सुंदर साधना है। कैसी, लोगों के या किसी के भी दोष देखना, ये हमने साधना बचपन से करी है। किसी के भी दोष निकालने के लिए हमको बता कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ती। कहीं भी जाकर के फटाफट इनमें ये दोष है, उनमें वो दोष है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये नहीं क्यों, वो नहीं क्यों, दुनिया भर के दोष निकल शुरू हो जाते। माने दोष दृष्टि हम सबके पास है भगवान की कृपा से। अब ये जो दोष दृष्टि है उसका त्याग मत करो। ये दोष दृष्टि को लेकर के जगत के जितने विषय है उनके ऊपर ये दोष दृष्टि लागू कर दो। तो प्रत्येक विषय में यदि हमने दोष दृष्टि लागू कर दी तो क्या होगा, जिसके प्रति हमारे मन में दोष दृष्टि होती है उसके प्रति मन में वैराग्य अपने आप जागृत हो जाता है। जैसे कल एक लड़की हमको मिलने आ गई और उसमें ये दोष है कि वो नॉन स्टॉप बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। उसको यदि हाथ में कुछ करके उसके मुंह को दबा के रखो ना, ऐसा फिजिकली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उसके गर्दन को पकड़ो, मुंह को दबा के रख दो ना एक घंटे तक, तो भी वो बोलेगी। इतनी भयानक वस्तु है। अब एक बार हमको पता चल गया कि इसमें ये दोष है तो हम क्या करेंगे, जैसे वो आती है उसको वहां से हटाने के लिए तुरंत प्रयत्न करेंगे, कोई ना कोई बहाना निकाल करके चले जा। यदि वो नहीं जाती तो हम बाथरूम में जाते, वहां शांति है। उसी प्रकार से जगत के विषयों में दोष है ये जब हमको समझ में आएगा तो अपने आप विषयों के प्रति वैराग्य होगा। तो ये विषयों में दोष कैसा देखना है, विषय में दोष देखना है तो हमारे नचिकेत के शिष्य बन जाओ। नचिकेत महाराज यमराज के शिष्य है, कठोपनिषद के श्रोता है। वो बताते हैं जब उनके सामने स्वर्ग के सभी भोग उपलब्ध करा दिए गए थे तब उन्होंने भगवान यमराज को बताया, शोभावामर्त्यस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः जीवितं सर्वं अपि अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। चार बातें उन्होंने बताई कि शोभावामर्त्यस्य यदंतकैतत्, हे अंतक, हे यमराज,
कि जगत की प्रत्येक चीज परिवर्तनशील है, तो जिसको हम अच्छी है करके आंच पकड़ते हैं कल वो नष्ट हो जाती है। श्रीमद् भागवत में विचार आता है, जो देह उस अन्न से बना है, उस अन्न से पलता है, वो अन्न ऐसा है कि सुबह उसको पका के रख दो तो शाम को सड़ जाता है। तो ऐसे अन्न से बनाया हुआ देह नित्य निरंतर सुंदर कैसा रहेगा? तो अपने आप देह के प्रति वैराग्य की भावना प्रारंभ हो जाती है। जो हमारे शास्त्रों में शौच के नियम है ना, नहाने धोने के नियम, उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि हमको अपने देह के प्रति वैराग्य जागृत होवे। एक बार की बात है, एक ओर से कैंप में थे हम, और एक लड़की ऐसी खड़ी थी अकेली। मैंने बोला, तुम खेलने नहीं जा रही? बोले, स्वामी जी मेरा मूड नहीं है खेलने जाने के लिए। ठीक है, मेरे से बात कर, आ जा। तो छोटी सी लड़की होगी कि 12-15 साल की आई, ऐसे आई, मैंने उसको बैठाया, और जैसे वो मेरे पास बैठ गई, इतनी बदबू उसके देह से आ रही थी, अरे राम 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 राम। तो मैंने उसको, मैंने कहा खड़ी हो जाओ, वहां खड़ी रहो, खड़ी हो गई। मैंने बोला कि सच सच बताओ, तुम कब नहाई हो? बोले, स्वामी जी मैं यहां कैंप में आने के पहले 3 दिन नहाई थी। माने कैंप में आकर के 3 दिन नहीं नहाई, उसके पहले 3 दिन। अब उस देह से बदबू नहीं आएगी तो क्या होगी? और इसी के लिए हम लोग स्नान करते हैं, सुबह उठ करके अपने देह की तरफ देखो, गंदगी के सिवा कुछ नहीं होता। सुबह उठ करके देह से केवल गंदगी ही गंदगी निकलती है। इसीलिए जब तक हमने कोई मिलने को आता है, वेट ए मिनट, आई विल गो टू बाथरूम एंड कम, क्यों? कि तब हम प्रेजेंटेबल होते हैं। नींद से उठने के बाद प्रेजेंटेबल थोड़ी होते हैं। मुंह से बदबू, आंखों से बदबू, कान से बदबू, सब जगह से गंदगी ही गंदगी है। ये हमको समझाने के लिए शौच के नियम शास्त्रों में लगाए हैं। तो जितना हम अपने देह का अवलोकन करेंगे, यह गंदगी की पिटारी है और कुछ नहीं है इसमें। उसी प्रकार से जैसा अपना देह है वैसे सभी देह है। तो इस हड्डी चमड़ी के पीछे पागल होकर के चलना, इससे ज्यादा मूर्खता कोई नहीं है। भर्तृहरि जी महाराज लिखते हैं, पाषाण खंडेशु च रत्न बुद्धि है, तो पत्थर उसको कहते डायमंड, पाषाण खंडेशु च रत्न बुद्धि, और कांते दिधि शोणित मांस पिंडे, शोणित माने खून, मांस माने मसल्स। तो ये खून और मसल का, स्नायु का जो पिंड है उसको कहते कांता इति, ये मेरी पत्नी है। और पंचात्म के वर्तमानी आत्मबुद्धि, ये पंच महाभूत से बना हुआ ये पुतला है, इसको मैं कहते हैं। जयत्यसो काचन मोह लीला, ये देखो मोह की लीला चल रही है। तो जितना हम इस जगत के वस्तु व्यक्तियों में दोष का दर्शन करेंगे, उतना जगत के प्रति वैराग्य जागृत होगा, अन्यथा इसी जगत में फंसे रहेंगे। अब जैसे देखो, मैं अभी कहीं गया था तो वहां के सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। तो आपका सेटल होने का कहां विचार है? तो हमने कहा हम अनसेटल कहां है, आई एम ऑलरेडी सेटल। नहीं नहीं, आपको कुछ आश्रम नहीं बनाना? तो हमने कहा कि हमको यदि पागल कुत्ते ने काटा होता तो हम जरूर बनाते, भगवान की दया से अभी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। इसके बारे में आपको उदाहरण दें, एक हमारे मित्र थे, अब नहीं रहे, क्रिश्चियन थे, अमेरिकन एम्बेसी में काम करते थे दिल्ली में, हमेशा हमारे लेक्चर में आते थे और हमसे उनकी बड़ी दोस्ती थी। बोले, स्वामी जी आई लाइक टू कम विथ यू टू बद्री नाथ, यू ऑलवेज टॉक अबाउट इट, आ जाओ। और पूरा उन्होंने पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया।
निकलने के पहले एक दो दिन स्वामी जी वन पॉइंट आई फॉरगॉट, एक बात मैं भूल गया, कौन सी, मेरा कुत्ता है उसको अकेले को छोड़ के कहां जाऊं, आई हैव गॉट ए डॉग, हाउ कैन आई लीव द डॉग एंड गो फॉर द दर्शन ऑफ द गॉड, होना क्या चाहिए कि कुत्ते को छोड़कर के भगवान का दर्शन करना चाहिए कि भगवान को छोड़कर के कुत्ते की रक्षा करनी चाहिए। देखो जहां हम किसी भी वस्तु को महात्म्य देते हैं वही हमको बांध के रखती है, और इसीलिए जब तक के वैराग्य तीव्र नहीं होगा, और वैराग्य तीव्र तब होगा, दोष दृष्ट्या ही वैराग्यम विषय प्रीति नाशनम, किसी भी वस्तु में प्रीति का निर्माण तब होता है जब हमने उस वस्तु में तीन बातें देखी, एक वो वस्तु नित्य है, दूसरी वो वस्तु सुख का साधन है, और तीसरी वो वस्तु मुझे नहीं मिलेगी तो मैं अपूर्ण रहूंगा। ये तीन कारणों से हमारे मन में जगत के वस्तुओं के प्रति प्रेम निर्माण हो जाता है। तो उन सज्जन ने हमको जब कहा आश्रम की बात रहने की बात, तो हमने कहा देखो जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपके घर आ जाएंगे, तो आप हमको ना कहोगे क्या? हाँ, नहीं नहीं तो नहीं कहेंगे, अब आ ही जाओगे तो करेंगे क्या। देखो ये जगत में रहना है ना बाबा, तो अपने आप को बचा के रखो। यदि भगवान पर विश्वास नहीं है तब जाकर के व्यक्ति अपने सिक्योरिटी का ज्यादा ख्याल रखता है। एक आपको बात बताए, आपको पसंद नहीं आएगी, हु केयर्स, हम तो सत्य का प्रतिपादन करेंगे। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी उतना भगवान विश्वास होगा। लेसर द सिक्योरिटी मोर द फेथ इन द लॉर्ड। साधु संत महात्मा चलते हैं तो उनका बैंक बैलेंस नहीं होता, वो इस जगत में कैसे मस्ती से चलते, क्यों कि जगत में पकड़ के रखने के लिए कुछ आई ही नहीं। हम लोगों की स्थिति कैसी है, सेंचुरी वाला हरक्यूलिस सर के ऊपर में इतनी सारी पृथ्वी का बोझा रखा हुआ है, और उसको कहो कि हम तुमको गुदगुदी करेंगे, हंसोगे? ही कैन नॉट, जिसके सर पर इतना बोझा है वो कहां आ सकता है। इसीलिए इस जगत के प्रति दोष दृष्टा ही वैराग्यम विषय प्रीति नाशनम, वैराग्येण मुमुक्षुत्वं तीव्रं तत्परतोदयं तत्परत्वं साधनेषु प्रवृत्ति अति तीव्रता। तो जितना वैराग्य हमारा तीव्र होगा उतनी मुमुक्षुता तीव्र होगी। अब देखो दोनों को समझ लेना, एक है परमात्मा, दूसरा है जगत। जैसे एक है मां और दूसरी है पत्नी, और वो जो पुत्र है दरिद्री, उसके पास केवल एक किलोग्राम का प्यार है, एक किलोग्राम प्यार, ज्यादा नहीं। शादी के पहले पूरा का पूरा प्यार मम्मी 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 मम्मी, और वही मम्मी कहती है बेटा अब शादी कर लो, नहीं मम्मी आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, नहीं बेटा यू हैव टू गेट मैरिड, ओके फॉर यूर सेक आई गेट मैरिड। ये जो कहने वाले होते ना बेवकूफ होते हैं, अपने की शादी करता है, कोई मां के लिए नहीं शादी करता। अच्छा शादी कर ली, अब शादी होने के बाद नेचुरली उसका जो प्रेम है वो पत्नी की तरफ जाएगा कि बुढ़ाओ मां की तरफ जाएगा, और वो तो है दरिद्री एक किलोग्राम प्रेम, उसमें से वो क्या करेगा, 500 ग्राम मां को 500 ग्राम पत्नी को। अब जिस मां को एक किलोग्राम प्यार मिलने की आदत पड़ी है बचपन से, उस मां को जब शादी होने के बाद 500 ग्राम प्यार मिलने लग जाता है तो तुरंत उसको समझ में आता है कि मेरे प्यार का हिस्सा लेने वाली ये डायन घर में आई है, उसी के कारण हो रहा है। अब उसके बाद ऊपर से है मां, नीचे से है पत्नी, और बीच में है ये सुपारी बहादुर
और फिर ये दोनों के बीच में पिसा जा रहा है। यदि इस लड़के को शांति चाहिए तो क्या करना चाहिए, दोनों में से एक को चूज करो। किसको चूज करे, पत्नी को या मां को, दोनों में से एक को भी चूज मत करो। परमात्मा को पकड़ो, वैराग्य में रहो, दोनों को झगड़ने दो। इसीलिए ये मां मदर जब तक मदर होती है ना, तब मदर होती है। जहां वो लीगल हो जाती है, माने मदर इन लॉ हो जाती है, तो उसको कुछ ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। क्या गड़बड़ी है, यही अपने पुत्र का जो प्यार है, जो डिवाइड हो गया है, उसको सह नहीं सकती वो। अब देखो, ये जो जगत है, एक जगत साइड में, दूसरे परमात्मा है। जितना हम जगत के प्रति आकर्षित होंगे, उतना हम परमात्मा से दूर जाएंगे। ये हो गया जगत में आसक्ति का चित्र। जितना हम जगत के प्रति वैराग्यवान होंगे, उतना हम परमात्मा के पास चले जाएंगे। देखो, इसीलिए जब तक के वैराग्य की तीव्रता नहीं होती, तब तक के साधना में गति नहीं आती। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक चित्र बताते थे, बोले हम लोगों की साधना कैसी है। एक सेठ जी मोटे से बैठे हुए हैं, साथ में उनकी पत्नी खड़ी हुई है, भव्य दिव्य शरीर और सोने से और गहने से लथपथ लटक रहे हैं उसके ऊपर में, और उसके गोद में दो बच्चे बैठे हुए, एक कान में उंगली कर रहा है, एक नाक में उंगली कर रहा है। और उस समय ये सेठ जी जो है 500-500 की नोटों की गिनती कर रहे हैं, और उस समय भगवान आते हैं, थैंक यू, वेट फॉर ए मिनट, और फिर गिन रहे हैं। ऐसा हमको भगवान का दर्शन चाहिए। जब तक के हृदय में वैराग्य जागृत नहीं होता, तब तक के परमात्मा का दर्शन असंभव है। जब तक के हृदय में वैराग्य जागृत नहीं होता, तब तक के साधना में तत्परता नहीं आती। हमारे साईं बाबा की पोथी में ये प्रसंग आता है। एक व्यक्ति उनके पास पहुंचे और पहुंच करके कहते कि बाबा, हमने सुना है आप लोगों को ब्रह्म दिखाते हैं, तो मैं भी ब्रह्म देखने के लिए आया हूं, और लेकिन जरा जल्दी में हूं, मैंने रिटर्न टांगा लेके आया हूं, ताकि मैं तुरंत दर्शन करके ब्रह्म के वापस चला जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है बैठो, तुम्हारे जैसे जिज्ञासु तो मेरे पास आते ही नहीं। ये तो बड़े भाग्य की बात है कि जब साधु संतों के पास जिज्ञासु आते हैं, तो उसका और भी ईगो बड़ा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि देखो, एक बच्चे को जाकर के उस अमुक आदमी के पास जाकर के 5 रुपये उधार ले आना, मुझे काम है। वो बच्चा वहां गया, वापस आया, बाबा वो है नहीं घर में। अच्छा, दूसरे के पास जाना, उसके पास, वहां से 5 रुपये ले आना, वहां से भी वापस आ गया, वो आदमी वहां है नहीं। तीसरे के पास भेजा, वहां जाकर के 5 रुपये ले आना, वो भी वहां नहीं है। और ये ब्रह्म का जो प्रार्थी था, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए, वो कहता है बाबा जल्दी करो ना, मुझे जल्दी जाना है, फटाफट ब्रह्म दिखाओ। अब उस समय कहते हैं वो, देखो उसके जेब में उस समय 250 रुपये थे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि बाबा 5 रुपये 1 घंटे के लिए उधार मांग रहे हैं, तो कम से कम उधार तो दे दे, जेब में रखे हुए देंगे नहीं किसी को। तब उन्होंने कहा देखो, मैंने तुमको उपदेश किया, तुमको समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूं। जब तक के 5 ज्ञानेन्द्रिय उसको समाहित ना कर लो, जब तक के 5 कर्मेंद्रिय उसको समाहित ना कर लो, जब तक के 5 प्राण उनको अपने कब्जे में ना करो, तब तक के ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। ये मैंने तुमको बताया, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूं। देखो, जब तक के जगत के प्रति वैराग्य जागृत नहीं होता, हम साधना कर रहे हैं, ये केवल एक कल्पना रहती है बाबा, कल्पना रहती है। इसीलिए तत्परत्वम साधनेषु प्रवृत्ति अति तीव्रता,
जितनी साधना करने में तत्परता होगी उतनी हमारी साधना तीव्र चल रही है। साधना की तीव्रता माने क्या? साधना की तीव्रता माने ऐसा नहीं कि दांत दबा करके बैठे मेडिटेशन करके रहेंगे, जाता कहां है माइंड, वो साधना की तीव्रता नहीं है। साधना की तीव्रता है हम बिना किसी प्रयत्न के एक क्षण में अपने आप को जगत से हटा करके एकदम निर्विषय निर्विकल्प स्थिति में आ सके, उस स्वातंत्र को कहते हैं हमारे साधना की तीव्रता। इसके बारे में एक उदाहरण आता है शास्त्रों में। एक बार एक पंडित जी ने जनक महाराज से पूछा कि आपको लोग कहते हैं कि आप रियलाइज वगैरह है, लेकिन आप तो पूरा संसार सब कर रहे, अपना राज्य चला रहे, तो आपकी तीव्रता का या आपकी ये गॉड रियलाइजेशन का सीक्रेट क्या है, इसकी विशेषता क्या है, बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो तो बाद में बताएंगे, मुझे कुछ पता नहीं, अभी खाने को तो आ जाओ। तो उनको खाने को बुलाया। मुझे भी लोग खाने को बुलाते, लेकिन ऐसा मत करना मैं जो बताने जा रहा हूं, ये तो वो हमारी बिल्ली हम पर में हो, ऐसे मत करना। तो उनको खाने के लिए बुलाया और जब वो बैठ रहे थे खाने के लिए तो उन्होंने कहा पंडित जी जरा संभाल के बैठना, धीरे से झुक के बैठना, क्योंकि आपके सर के ऊपर में घोड़े के दुम के बाल से एक तलवार लटकी हुई है और ये नीचे खाना खाने के लिए बैठे, ऊपर तलवार लटकी हुई और उनको बढ़िया बढ़िया खाना दे दिया। और खाना उनका होने के बाद जब उठे हाथ धोया फिर उनको पूछा खाना कैसा था, कौन सा खाना, मैंने खाना खाया इसका भान तक नहीं। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है जब तक हमारे मन में यह बात बनी रहेगी कि ये जगत हमको मदद करता है, जगत में आनंद है, तब तक के आत्मानंद की भूख नहीं लगी है। इसीलिए जितनी हमारी तत्परता तीव्र होगी उतने साधन में भी हमारी प्रवृत्ति तीव्रता से होगी। अति तीव्र प्रवृत्त्यैव द्रुतं फलं अवाप्नुयात् इति दत्तात्रेय वचो निशम्य भार्गवहा पुनः। तो इसका सबका सारांश क्या निकाला दत्तात्रेय भगवान ने कि जितनी हमारी तीव्र प्रवृत्ति होगी साधना में उतने हम जल्दी परमात्मा के दर्शन करेंगे। अब यह तीव्रता की बात दो मिनट सुनेंगे फिर आगे जाएंगे। देखो साधना में तीव्रता माने क्या? जो व्यक्ति कार चलाने में एक्सपर्ट होता है उस व्यक्ति को कार चलाने में किसी भी प्रकार के विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते। प्रयत्न शैथिल्य, जैसे समझो हमको पानी में तैरना है तो कितने हमको प्रयत्न करने पड़ते हैं, लेकिन यदि एक फिश को एक मछली को पानी में फेंका जाए तो उसको कितने प्रयत्न करने पड़ेंगे, शून्य। उसी प्रकार से जब हमारी साधना प्रयत्न रहित हो जाती है, प्रयत्न रहित साधना के तीन प्रकार हम समझेंगे। एक बात यह है कि स्थूल देह को लेकर के साधना, स्थूल देह को लेकर के साधना का तात्पर्य है हमारा मन अब ये स्थूल देह से अपने आप अलग हो सकता है एक क्षण में। इसकी जरा ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, बाबा घर जा करके यहां मत करना। जब यहां आप ध्यान के लिए बैठते हो तो बैठने के पश्चात पहला जबरदस्त झटके के साथ देह के बाहर निकल जाओ, हम देह में नहीं है, देह हम में है, लेकिन मुझे तो लगता है मैं अंदर में हूं, अरे लगने दो बाबा, हमको सब कुछ लगता है, निकल जाओ, बहुत हो गया। यही एक अभ्यास करके देखो कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल किसी भी प्रकार से अपना देह के साथ कोई संबंध है ही नहीं,
एकदम अलग हो जाऊं। नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहां गुदगुदी हो रही है, यहां गुदगुदी हो रही है, सर के ऊपर खुजली आ रही है। अरे बाबा, वो सर का चक्कर है, उसके चक्कर में मत पड़ो। दो प्रकार की साधनाएं होती है। एक होती है प्रकृति प्रधान साधना और दूसरी होती है पुरुष प्रधान साधना। प्रकृति प्रधान साधना से हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की सब प्रक्रिया करते हैं, और पुरुष प्रधान साधना जो है हम उस प्रकृति का पूर्ण रूप से तिरस्कार करने की साधना करते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना माने क्या, दो प्रकार से समझ ले। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना माने प्रकृति हमारे कहने के अनुसार चले। हमने जब किसी को कहा कि देखो तुमको नौकरी लग जाएगी, फिक्र मत करना, और उसको नौकरी लग गई, हाँ हाँ बड़े महात्मा जी है, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, नौकरी लग गई। ये एक है प्रकृति पर विजय पाने की बात। दूसरी बात यह है, जैसे अग्नि ने दाहिका शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है, का तात्पर्य क्या हुआ, दाहिका शक्ति के द्वारा अग्नि प्रभावित नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, दाहिका शक्ति अग्नि से अलग होकर के नहीं रह सकती, इसीलिए अग्नि के दृष्टि से दाहिका शक्ति का अलग अस्तित्व नहीं है। जब अलग अस्तित्व ही नहीं है तो उसके ऊपर नियंत्रण की बात कहां आई। उसी प्रकार से यह प्रकृति, यह जगत मुझसे अलग होगा तब तो जाकर के मैं उसका नियंत्रण करूंगा। लेकिन जहां हमने इस पुरुष प्रधान साधना का अभ्यास प्रारंभ किया है तो उसमें पहले यही बात कि हमको इस देह से कुछ लेना देना नहीं है। हजार बार यही एक अभ्यास करें, देखो कैसा वैराग्य जागृत नहीं होता। जहां ध्यान के लिए बैठे, एकदम सब कुछ छोड़ करके भैया निकल जाओ देह से, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। पहले दो चार बार, दस बार उल्टा सीधा लगेगा, लेकिन घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। कई लोगों को डर लगता है, स्वामी जी समझो मेडिटेशन करते हम मर गए तो क्या होगा, हम दफना देंगे, कोना क्या है, मरना तो है, अच्छी बात है। ये नया स्टाइल निकला मेडिटेशन में मरने का। तो यह जो साधना है वो हमारी तब बढ़ेगी जब हम अपने हृदय में तीव्रता इस साधना के लिए जागृत करेंगे तब। अब ये तीव्रता का दूसरा स्वरूप, तीव्रता का दूसरा स्वरूप माने जगत के किसी भी वस्तु विषय में इंटरेस्ट जीरो हो जाना, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं माने बोर होकर के रहना नहीं, इंटरेस्ट दिखाना, इंटरेस्ट दिखाने का नाटक करना। जैसे हम लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, मार्बल खेलते हैं, ठैक ठैक, बच्चा भी मार्बल खेल रहा है और हम भी मार्बल खेल रहे हैं, उन दोनों में क्या फर्क है कि वो उसको यदि एक मार्बल मिल जाता है खुशी से, स्वामी जी से जीत लिया, और जब स्वामी जी हार जाते तो दुखी होते, हाँ दिखाने के लिए, अच्छा तुमने ले लिया, अगले बार तो मैं ही लूंगा, उसको लग रहा है कि स्वामी जी रियली दुखी हो रहे। यही प्रकार है इस जगत में रहने का। तो ये रहना कैसा है, इसको कहते हैं नाटक करना। देखो जो नाटक करने वाले होते हैं ना उनको कहते हैं एक्टर। एक्टर माने जो एक्ट करते हैं उनको एक्टर कहते हैं। तो जब वो एक्टिंग करते हैं तब उनको पैसा मिलता है, वाहवाह मिलती है, तारीफ मिलती है और प्रसिद्धि मिलती है जब वो एक्टिंग करते हैं तब। अब वही एक्टर जब पॉलिटिक्स में आकर के रिएक्ट करने लग जाता है तो उसको जूते पड़ते हैं, गालियां मिलती है और उसकी छीतू होती है ना। माने जब तक के हम एक्टिंग करेंगे तब तक के जीवन में हमको बड़ा अच्छा रहेगा,
और जहां रिएक्ट करेंगे वहां हमको दुख मिलेगा। तो साधना क्या हो गई, अपनी साधना की तीव्रता क्या है, एक्टिंग करो। कैसे एक्टिंग करो, उसके शिक्षण देने के लिए, उससे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी एक हाथ बार हवाई जहाज में चढ़ जाओ, और वहां चढ़ने के बाद वहां अनेक देवियां होती है जिनको एयर होस्टेस कहते हैं, उनको जाकर के उनसे पूछो कि माता प्रणाम, आपने ये हंसने की एक्टिंग कहां से सीखी, आपके तरफ देख करके वो हंसती थोड़ी है, वो तो एक्टिंग है, आगे जाओ। उसी प्रकार से जगत में ऐसे रहो कि मानो सबके है लेकिन असल में किसी के नहीं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी के महाराज के बारे में प्रत्येक भक्त का एक ही उद्गार था, हमने कितने बार लोगों से सुना है, बोले स्वामी जी महाराज जी जो है ना हमसे बहुत प्रेम करते, आपको पता नहीं बहुत प्रेम करते। हाँ ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति आकर स्वामी जी महाराज जी जो है ना हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे माँ बाप भी इतना नहीं करते। तीसरा आकर के कहेगा ये स्वामी जी महाराज जी जो है ना हमसे बहुत ही चाहते हैं हमको, वो पूछते हैं हमको फोन करके तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, उनको सब मालूम है इतना प्रेम करते हैं। और महाराज जी को पूछो बोले किसकी बात कर रहे हो उसकी, अच्छा अच्छा मैंने कहा होगा। देखो जो व्यक्ति सभी से प्रेम कर सकता है वो व्यक्ति वो है जो किसी के भी प्रेम में बंधा हुआ नहीं। प्रेम के बंधन में रहने वाला व्यक्ति सबसे प्रेम नहीं कर सकता, जो प्रेम में रह करके बंधता नहीं वही सभी से प्रेम करता है। यही है नाटक करने की पराकाष्ठा। यही बात थी भगवान श्री कृष्ण की, 16108 पत्नियों को एक ही अनुभव कि भगवान मेरे से सबसे ज्यादा प्रेम करते, और भगवान ने अपनी सीक्रेट केवल अर्जुन को बताई थी, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता हूं किसी से प्रेम भी नहीं करता हूं, क्योंकि यहां प्रेम प्रेमी द्वैत का पूर्ण अभाव है। इसीलिए इस वैराग्य को जब तक के हम तीव्र नहीं करेंगे तब तक के हमारे हृदय में परमात्मा के प्राप्ति की जो साधना है वह गतिशील नहीं होगी, ढीले ढीले चलते रहेंगे। एक अच्छी बात याद आई, एक वयस्क गृहस्थ थे, आसाम की बात है, और उनको हम गुरुजी कहते थे, और वो हमसे पढ़ते थे वेदांत उपनिषद वगैरह। ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो हमने उनको कहा कि गुरुजी आप इतने बढ़िया भजन गाते हो, मुझे भी सिखा दो भजन गाना, मेरी आवाज ऐसी फटे बांस की जैसी है कि गा ही नहीं सकता। उनकी उम्र उस समय 78 साल की थी, तो एकदम वो इतने भावना विभोर हो गए, उन्होंने वो अपनी लड़की के यहां रहते, लड़की को बताया कि तुम अपने जाओ उस कमरे में, मैं स्वामी जी के साथ बैठना चाहता हूं। तो वो चली गई, हम दोनों उस कमरे में, और दोनों एक ही सोफास्तर बैठे हुए थे, और वो इतने बड़े होते हुए भी फूट फूट के रोने लग गए और कहते कि देखो स्वामी जी आप जब मुझे गुरुजी कहते हैं ना तब मुझे बहुत दुख होता है। तो मैंने कहा को ठीक है मैं आपको स्वामी जी कहूंगा। बोले नहीं, क्यों? बोले आपको क्या बताऊं मैं, सभी लोग कहते हैं कि मैंने अपनी उम्र की 15 साल से ये मंदिर में आकर के भजन कीर्तन करता हूं और खूब लोगों को आनंद आता है,
खूब भजन कीर्तन करता हूं, मेरी आवाज अच्छी है, मुझे ज्ञान है राग ताल का और सभी को मेरे भजन कीर्तन अच्छे लगते हैं, लेकिन असली बात बताओ मेरे हृदय में पूछो, मुझे अभी भी अपने जीवन की कृतकृत्यता का अनुभव नहीं होता। अभी भी ऐसे लगता है कि मैंने जीवन में किया क्या, सब व्यर्थ गया है, परिपूर्णता का अनुभव नहीं है। अभी भी मेरा मन अंदर से रो रहा है। देखो इतने साल उन्होंने भजन कीर्तन गाए, एक दो साल की बात नहीं, 16 साल से लेकर के 78 साल तक के, और इतने लोगों को उन्होंने भजन कीर्तन में नचाया क्योंकि उनमें शक्ति थी वो, लेकिन उनका अपना जीवन देखो, अपने जीवन में वही खालीपन, वही सूखापन, वही दुख अंदर में दबा हुआ है। मुझे बताओ ऐसा कोई जीवन जीवन है? कब तक हम लोगों को धोखा देते रहेंगे? सबसे ज्यादा आदमी धोखा देता है अपने आप को, हम किसी दूसरे को धोखा दे ही नहीं सकते। जब हम किसी दूसरे को धोखा देते हैं तो हमको मालूम होता है कि हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन अगले को कहां मालूम होता है, वो तो हमको सत्य के रूप में ही स्वीकार कर रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा धोखेबाज हम अपने साथ होते हैं, और ये धोखा किस चीज का है? हमारी साधना चल रही है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक के देखो कितना अभी हमारा मन इस जगत के वस्तु व्यक्तियों में फंसा हुआ है। अपने मन को वहां से हटा देना यही बहुत आवश्यक बात है। तो यदि हमारी साधना में तीव्र गति हो रही हो तो उसका प्रभाव अपने जीवन में स्वाभाविक होना चाहिए, और स्वाभाविक प्रभाव यह है कि मन नित्य निरंतर प्रसन्न रहे, किसी भी प्रकार के अच्छे बुरे विचार मन में आवे ही नहीं, और आ भी जाते हैं तो उसका प्रभाव न होवे। ये जब हमको स्पष्टता से समझ में आने लग जाता है तब जाकर के अपनी साधना बढ़ रही है, नहीं तो कितने महात्मा आके चले जाते हैं और हमारा वही स्वामी जी क्या कह कह क्या कह कह कह, अरे कब तक ये चलता रहेगा? अपने हृदय में झांको बाबा, अपने हृदय में झांको। इस प्रकार से उन्होंने अति तीव्र प्रवृत्तिया एव द्रुतम फलम अवाप्नुयात। हमारी साधना की पद्धति कैसी है? 10 कदम आगे, 10 कदम पीछे, 10 कदम दहने, 10 कदम बाए, 10 कदम बाए, 10 कदम दहने, 10 कदम पीछे, 10 कदम आगे, जिंदगी भर हम चलते रहे लेकिन पहुंचे कहीं भी नहीं, क्योंकि हमारी साधना एक साधना दूसरे को कैंसिल कर देती है। साधना में गति, साधना में दिशा और साधना में तत्परता और साधना में समर्पण जब तक के पूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक के आध्यात्मिक साधना में प्रगति नहीं होती। और प्रगति का एक लक्षण यह है कि हम किसी भी हालत में दुखी नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 5वें अध्याय में, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी न रहा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जिंदा जीते हुए काम और क्रोध इसके आवेग को जीत लिया है वही व्यक्ति सुखी है, वही नर है, बाकी के वानर है। स युक्त स सुखी स न रहा। इस प्रकार से यहां ये प्रसंग पूरा होता है। इसके पश्चात भार्गव जी माने परशुराम जी फिर प्रश्न पूछते हैं, पप्रच्छ संदिग्ध मनाहा संशयम सुमहत्तरम भगवन भवता प्रोक्तम सत्संगो मूल कारणम ईश्वरानुग्रहश्चापि दोष दृष्टि रीति पीति चद कि किम आदि कारण मुख्यम तत् प्राप्तिर्वा कथम भवे। वो कहते हैं कि भगवान आपने अनेक बातें बताई, ये भी मूल कारण है, ये भी मूल कारण है परमात्मा के प्राप्ति का, तो हमको एक कारण बताइए, हमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तो इस प्रश्न को लेकर के
भगवान दत्तात्रेय महाराज उनको उपदेश करेंगे, उसको हम कल देखेंगे। अब यहाँ पूर्ण विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।